सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन. एंड आई डोंट नो इफ वी मेट बिफोर दिवाली और नॉट, बट वॉट एवर इट इज़, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. ठीक है? सो हाँ स्टूडेंट्स, आज जो आंसर है बेसिकली वी आर फिनिशिंग विद दिस पार्ट. सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट रिमेम्बर, लास्ट टाइम जो था हमने लोगों ने, वी हैड बेसिकली डन द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है? तो वो थोड़ा मैं 5 मिनट पहले रिवाइज करवा लूँगी. ओके? उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द मेन आंसर. आज का जो आंसर है स्टूडेंट्स, वो भी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, टू शॉर्ट आंसर्स टू स्मॉल आंसर्स वी विल डू. ओके? सो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट दिस सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते थे. सो फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ द लेक्चर विल बी अ जस्ट रिविजन ऑफ वॉट वी डिड सो फार. आपको याद है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या किया था? सोसाइटीज या कंपनीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स. अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ बेसिकली, तो एम्प्लॉयज़ के लिए मैंने आपको कहा था बेसिकली राइट टाइम पे सैलरी देने का, वेलफेयर फैसिलिटीज लाइक हैविंग गुड कैंटीन्स एंड ऑल, राइट. उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, क्रेशेस देना, मतलब फॉर फीमेल एम्प्लॉयज, क्रेश इज नथिंग बट अ प्लेस वेयर दे कैन कीप द बेबीज. फिर आपको याद है यू नो राइट टाइम पे सैलरी दो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो. सी स्टूडेंट, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है बिजनेसेस में से कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें. ओके? फिर सप्लायर्स जो होते हैं उन्हें राइट टाइम पे पेमेंट किया करो. यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, इस देखो फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर. मतलब आपको अगर याद था शेयर होल्डर की अगर मैं बात करूँ, तो क्या उनमें से एक्सपेक्टेशन होते हैं कि वो भी हमें राइट टाइम पे यू नो कंपनी एथिकल रहे एंड हमें डिविडेंड पे किया करे. ओके? दीज वेर ऑल सोशल ऑब्जेक्टिव्स. ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, जस्ट रिवाइजिंग. सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, आप लोग प्लीज़ एक बार जाके मेरे पहले के वीडियोज देख लेना. ठीक है? हाँ, again let me share the next PPT with you. And please students, किसी को कुछ doubts होते हैं तो you are always free to ask me. Okay? मैं आप सब लोगों के जो queries है I will definitely answer. फिर next जो हमारा था, just let me show it to you. Human objectives. Basically human की अगर बात आ जाती है, we all know it is nothing but एम्प्लॉयज, येस और नो. तो उसमें वही का है, आपको अगर याद हो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज को सैलरी दो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट राइट टाइम पे प्रोवाइड किया करो, ये सब चीज़ों की बात हो रही है, राइट. अच्छे वर्किंग कंडीशंस, मतलब मैंने आपको कहा था फैक्ट्रीज में एंड ऑल हम जाते हैं कई बार, आई मीन यू नो वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं, इतनी गर्मी होती है, हम लोग खड़े भी नहीं रह सकते, दैट इज़ वॉट इज़ बेसिकली टोल्ड हियर. तो आई मीन बेसिकली क्या इसमें कह रहे हैं वो लोग कि एवरी वन हैज़ टू मेक श्योर कि ये सब जो फैसिलिटीज हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनीज जो है अच्छे से दे रही है. ठीक है? या फिर नेक्स्ट वन, लेट मी शेयर इट विथ यू ऑल. नेक्स्ट जो पीपीटी है, ये सब आई एज आई हैव टोल्ड यू हमें ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है? सो नेक्स्ट पीपीटी, जस्ट गिव मी अ मिनट. यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझा ऐसा कोई है? द थर्ड वन, सॉरी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं, मैं फिर से वही लेके आई, जस्ट गिव मी अ मिनट. Let me share the next slide with you all. Next one is national objectives. See students, national objectives में क्या लिखा है basically? See कोई भी nation, मतलब as a whole, as a country, आपको क्या करना है basically? देखो कुछ points उसमें कहे, social justice, self sufficient. मैंने आपको कहा था self sufficient का meaning क्या है? For example, in a country like India, सेल्फ सफिशिएंट मीन्स वॉट, हम लोग अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड ऑल इन पे बेसिकली डिपेंड ना हो. ओके? आप देखो स्टूडेंट्स, करेंटली मुझे वही एग्जाम्पल याद आ रहा है, सिंस
कोरोना वायरस इज गोइंग ऑन। आप देखो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लेके आया था कि पहले आपने सुना होगा एक सिंपल सीटी स्कैन या टेस्ट करने के लिए भी देवे चार्जिंग ऑलमोस्ट 5-10,000। फिर देखो गवर्नमेंट क्लियरली रूल लेके आए कि 2,500-3,000 से ज्यादा कोई चार्ज कर ही नहीं सकता है, राइट? पूरे कंट्री के भले के लिए, बी प्रोवाइडिंग यू नो एफोर्डेबल मेडिसिन एंड ऑल, उसकी बात हो रही है, ठीक है? फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो, एड्यूकेशन, आपने हैवेल्स का वीडियो देखा ही था, वो सब जो है दे आर अ पार्ट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग। नाउ वी आर स्लोली मूविंग टू द मेन आंसर। ये मैंने आपके लिए पीपीटीज बनाए थे बिकॉज इफ यू नो लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक पीपीटी से ही समझाया था, राइट? आज का लेक्चर जो है मैंने सिंस आपके लिए पीपीटीज बनाए इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। या नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेन आंसर जो आज का है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। दिस आंसर इज स्मॉल, इट कैन अगेन कम इन योर शॉर्ट नोट्स। इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो लेट मी जस्ट थोड़ा जूम इन, देखो क्या लिखा है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज। इसका मीनिंग यू ऑल नो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक हेल्थ का मीनिंग क्या हो जाता है? सी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को किन से कंसर्न है कि मुझे ये साल प्रॉफिट हुआ कि नहीं, ओके? और किसी चीज से इकोनॉमी इज नॉट कंसर्न, ओके? क्लियरली आपको पता ही है जैसे नंबर्स का गेम है वो, मैंने ये साल कितना प्रॉफिट किया, ये साल कितना लॉस किया, ऑल अबाउट दैट। वेर एज इफ यू सी स्टूडेंट सोशल ऑब्जेक्टिव, इट इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसका क्या मीनिंग है कि पूरी सोसाइटी का भला हो, मुझे मुझे उस चीज की पड़ी है, ठीक है? नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी, देखो मेन आंसर अभी स्टार्ट हो रहा है। सर्व्स द इकोनॉमिक मोटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर्स का आप लोग खुद अज्यूम करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, वॉट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी कि वो लोग आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करके दें? यस, डिविडेंड। ये कब पॉसिबल है? जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, येस और नो? वेर एज आप लोग देखो स्टूडेंट, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहे हैं, सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स कि यू नो हम सोसाइटी का भला करें, उसकी बात हो रही है, ठीक है? आगे देखो क्या लिखा है, मोस्ट एंटरप्राइज ओरिएंटेड और एंटरप्राइज कंसर्न। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट, सी हर एक एंटरप्राइज बिजनेस, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोलते आ रही हूँ, व्हाट इज द ओनली रीजन दे आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, प्रॉफिट, ओके? वेर एज इफ यू सी सोशल ओरिएंटेड, आई मीन सोशल ऑब्जेक्टिव में यू नो हम लोग बोलते हैं ना हम सोशल सर्विस करते हैं, इसका क्या मीनिंग हो रहा है कि यू नो मोस्टली अगर मैं बताऊँ, इकोनॉमिक इज कंसर्न विद अवर ओन सेल्फ ऑब्जेक्टिव, वेर एज सोशल मीन सबकी भलाई, ठीक है? अब देखो स्टूडेंट्स, ये मेन पॉइंट है, नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स एक बात, इफ वी आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट, अगर हमारा बिजनेस अच्छा कर ही नहीं रही है, टेल मी वन थिंग, देन इन सच अ सिचुएशन क्या हम ऐसा सोच भी सकते हैं कि हम किसी को कुछ दे सोसाइटी को वापस? सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को वो CSR Havells का वीडियो एंड ऑल दिखाया था, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कंपनी जो है फॉर देम इज इट पॉसिबल कि वो कर सके ऐसा कुछ? आप लोग मुझे सोच के बताओ जरा। नो, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद प्रॉफिट करना चाहिए, येस और नो? हाँ, एब्सोल्युटली। तो आई मीन उसमें वही का है बेसिकली कि पहले तुम खुद प्रॉफिट करो, उसके बाद ही जो है वी कैन थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, राइट? दैट इज व्हाट इज टोल्ड। तो उसमें वही लिखा है, हाँ थैंक्स फॉर आंसरिंग। तो उसमें वही का है कि जस्टिफाई द सर्वाइवल। जस्टिफाई का मीनिंग क्या हो जाता है, रीजन फॉर सर्वाइवल, जस्टिफाई, ओके? मतलब ये सब चीजें स्टूडेंट्स, तो इसमें वही वो भी लिखा है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मतलब शॉर्ट टर्म में भी हमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है, लॉन्ग टर्म में भी। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके? शॉर्ट मतलब प्रॉफिट हमें कभी ना कभी जरूरत पड़ने ही वाला है,
ये सी स्टूडेंट, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हम लोग क्यों करते हैं? बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं सोसाइटी की सेवा करना हमारा धर्म है, फॉर एग्जांपल. ओके, नाउ यू पीपल टेल मी, आइडियली सोशल ऑब्जेक्टिव्स हम लॉन्ग टर्म में, हमारे ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, गुडविल एंड ऑल, वो सब के अचीव करने में हेल्प करते हैं हमें, ठीक है? ओके, नाउ यू पीपल टेल मी, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा, इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक. आप लोग मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू यू नैरो स्कोप किसका है, इकोनॉमिक का या सोशल का? अगर मैंने अभी आपको जो बोला वो समझ में आया है तो आप बता सकते हो. नैरो मतलब कम स्कोप, एंड ब्रॉड स्कोप किसका ज्यादा है वो आप बता सकते हो? अच्छा, वो मुझे बताओ, नैरो किसका है, इकोनॉमिक या सोशल? नैरो मतलब कम स्कोप. स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू द राइट आंसर फॉर नैरो स्कोप इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. सी स्टूडेंट्स, मैं क्यों ये आपको बोल रही हूँ, बेसिकली नैरो मतलब हम इसमें हम प्रॉफिट के बारे में ही सोच रहे हैं, येस और नो? सोशल ऑब्जेक्टिव्स को हम ब्रॉड टर्म बोलते हैं. ब्रॉड टर्म का मीनिंग क्या हो जाता है, जिसका स्कोप ज्यादा है. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है. सी, आगे का पॉइंट क्या लिखा है, अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इज नेसेसरी फॉर डिस्चार्ज. मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, अगर हमने हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव नहीं किए हैं तो फिर ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स बाद की बात है, वो हम कभी अचीव भी नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर इज. ओके, वेयर एज इफ यू सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है, जस्टिफाई इकोनॉमिक, मतलब एक बार हाँ हमें प्रॉफिट हुआ है उसके बाद डेफिनेटली वी कैन थिंक कि हाँ अभी मैं सोसाइटी के लिए ये जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया है इसमें से मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ. ओके, देखो आगे क्या लिखा है, देर इज जनरल एग्रीमेंट एज टू वॉट कॉन्स्टिट्यूट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. ये इसके बाद का पॉइंट इंटर रिलेटेड है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आर टेंजिबल, ये मैं आपको समझा रही हूँ. ओके, आप मुझे अब बताओ स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल थिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुनो. ओके, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में मुझे पता है फॉर एग्जाम्पल कि ये साल मैंने इतना प्रॉफिट किया, इतना लॉस हुआ. फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 9 लाख का लॉस हुआ, वो मुझे पता है. वेरी गुड, नाउ यू टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ. सोशल की बात कर रही हूँ मैं. यू ऑल नो स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्लड जो है, आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, हम वर्ल्ड में ब्लड का अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पाए, हम लोग ब्लड नहीं खरीद सकते, इसलिए तो दुनिया में इतने ब्लड डोनेशन कैंपेन एंड ऑल हो रहे हैं. नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, मैं आपको एक सिंपल, कोई अगर अच्छा इंसान है उसने ब्लड डोनेट किया, वो अगर बोल रहा है कि आज मैं ब्लड डोनेशन ड्राइव पे गया था और मैंने मेरा ब्लड डोनेट किया, कोई पेशेंट जो था उस बेचारे की जान बच गई. अभी आप लोग मुझे एक सिंपल चीज बताओ स्टूडेंट, तो क्या वो ऐसा क्लेम कर सकता है कि चलो मैंने आज 1 लाख का काम कर दिया ब्लड डोनेशन का? कैन एनीवन से लाइक दैट? एब्सोल्युटली दिस इज अ रॉन्ग थिंग. सी स्टूडेंट्स, ब्लड एंड ऑल ये सब ऐसी चीजें, दीज आर प्राइसलेस. हम कितने भी पैसे दे सके, मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. यू नो, मैं कई बार, यू नो, वेन आई गो आउट आई पर्सनली लव स्ट्रे डॉग्स अ लॉट. तो रस्ते पे कुत्ते एंड ऑल होते हैं, मैं उन्हें बिस्किट खिला देती हूँ, पार्ले जी एंड ऑल. चलो अभी आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, तो ये मैं उन्हें जो पार्ले जी एंड ऑल दे रही हूँ, तो आई मीन यू नो, कल कैन आई एक्सपेक्ट इट दैट वे कि चलो मैं बिस्किट दे रही थी तो ये टाइम पे कौन मुझे देखा? मे बी फॉर एग्जाम्पल, यू नो आई मीन, क्या मैं तोल सकती हूँ कि चलो 10 लोगों ने मुझे देखा, इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली? यू नो कि चलो हाँ मेरा वसूल हुआ,
अरे वो टाइम पे तो कोई किसी ने मुझे देखा नहीं, मतलब कुछ काम नहीं हुआ। नो, तो आइडियली हाँ, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। तो उसमें वही का है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको हैवेल्स एंड ऑल का वीडियो दिखाया था, राइट? उसमें भी बेसिकली वही दिखाया था, वो उनके कस्टमर्स कभी नहीं होंगे, बट वो लोग का सोशल ऑब्जेक्टिव्स हम कर रहे हैं, तो हमारे बेसिकली कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए। हम लोग क्यों बेसिकली वो कर रहे हैं? फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, कोई अच्छा काम। यहाँ पे कैसा है, हम लोग प्रॉफिट लॉस तोल नहीं सकते हैं, ठीक है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ। द नेक्स्ट पॉइंट इज, तो टेंजिबल का मीनिंग वही हो जाता है जो हम तोल सके, ओके? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको अभी करवा रही हूँ इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बाय देमसेल्व्स मे बेनिफिट। जैसे कि मैंने आपको कहा, फॉर एग्जाम्पल, यू नो, अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ही मेरे अचीव नहीं हुए हैं, तो फॉर एग्जाम्पल, तो वो टाइम में वो कर ही नहीं सकती उस टाइम तक सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल में क्या लिखा है बेसिकली, यू नो, री इन्फोर्स द अचीवमेंट। इसका क्या मीनिंग है, अगर एक साल मुझे लॉस हुआ बिजनेस में, तो नो वन कैन से कि ये टाइम मैं सोशल काम करूँ। अरे कैसे काम करूँ, मैं पैसे ही नहीं कमा पाई हूँ तो, ठीक है? द नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर बेसिक। जैसे कि मैंने आपको कहा है, बेसिक मतलब ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना सोशल का कोई सोच भी नहीं सकता है। वेर इज इफ यू सी, यू नो, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर द बेस, मतलब पहले इकोनॉमिक अचीव हुआ, उसके बाद ही हम सोशल अचीव कर सकते हैं, ठीक है? आगे देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर एंड डेफिनेट। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, क्लियर है, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो मैंने आपको जो बताया। फिर आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, बेसिकली क्या कहा है यहाँ पे इज, यू नो सी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में भी एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट, समथिंग दैट इज अनक्लियर, ओके? मतलब मैंने आपको बताया, यू नो, कॉलेज में लास्ट ईयर हमारे कॉलेज में ब्लड डोनेशन ड्राइव हुआ था इन रुया हॉल। सो मेनी स्टूडेंट्स हैड विलिंगली, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब लोग ने विलिंगली गिवन द ब्लड। मैं आपको बेसिकली वही बताना चाह रही थी, तो ऐसी इसमें खर्चा कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, हॉस्पिटल वाले आ गए थे, उन्होंने सिरिंजेस एंड ऑल, बट सी ये काम जो था, इट वाज, आई वुड से समथिंग, यू नो, किसी को कुछ मिला नहीं था पैसे डोनेट करने के लिए। वॉट आई मीन टू से इज, वॉट एवरी वन वॉज डूइंग, दे आर डूइंग इट आउट ऑफ देयर ओन, हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सी स्टूडेंट्स, यू नो, ये जो इकोनॉमिक का कंसेप्ट है, आई वुड रादर से ये सालों से चला आ रहा है, ओके? बट अगर आप देखो बेसिकली ये सोशल का कंसेप्ट स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये 2000 ईयर के बाद आया, मतलब जब इंडिया में एलपीजी आया, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर आपको पूरा उस पे ही है। मतलब मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाहती थी, एलपीजी मतलब इंडिया में जब कंपनीज, कॉरपोरेट्स, मल्टीनेशनल्स आने लगी, उसके बाद से ये सब आने लगा, ठीक है? सो आई होप, मतलब आप लोग भी देखो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में भी इफ़ यू नॉर्मली सी, लोग किसको सपोर्ट करते हैं जो कंपनी सोशल है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आप टाटा का एग्जाम्पल ले लो, कंपेयर इट टू रिलायंस। वाई पीपल ऑलवेज प्रिफर यूजिंग टाटा इज बिकॉज, यू नो, वो इतना सोशल सर्विस करते हैं, ठीक है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यू नो स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में और एक एग्जाम्पल लिखा है अजीम प्रेमजी का, ही इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ विप्रो। तो उसका जो वीडियो है मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, अभी हम लोग एक और छोटा आंसर कर लेते हैं, ठीक है? किसी को इसमें कुछ भी डाउट है देन प्लीज आस्क मी, जस्ट गो थ्रू द पीपीटी वन मोर टाइम। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया वो पूछना है, प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। वॉन्ट मी टू रिपीट एनी पॉइंट? आई होप एवरी वन इज एंगेज विथ मी, लास्ट लेक्चर है, सब लोग सो नहीं गए हो ना? ओके, लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस। ग्रेट, थैंक्स फॉर आंसरिंग। लेट मी शेयर द लास्ट स्लाइड, अभी हमारा लास्ट स्लाइड है, ठीक है?
या दिस इज द आंसर फॉर टूडे स्टूडेंट्स. उसमें बेसिकली वही लिखा है, ऐसी योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे मैं आपके चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ. उसके पहले यू नो रिकंसिलिएशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. रिकंसिलिएशन का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? बेसिकली यू नो इन अ वे इट्स नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. ये आंसर भी आपकी टेक्स्ट बुक में है, ठीक है. अगेन अ वेरी इजी आंसर, डोंट वरी अबाउट इट. क्या इसमें बेसिकली कहा है इज यू नो हमारे कंपनी के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. आपको पता है ये इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट एंड ऑल. इसको हम हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स के साथ कैसे लिंकअप कर रहे हैं, बेसिकली उसकी बात की गई है, ठीक है. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. सी ये पॉइंट्स तो ठीक है, मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक वाइज समझा रही हूँ सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे. फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट एंड प्राइस. नाउ सी स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली क्या है, प्राइस आप कस्टमर्स से चार्ज कर रहे हो, येस और नो. प्रॉफिट मतलब आप जो कमा रहे हो. तो उसमें बेसिकली क्या कहा है स्टूडेंट्स, इज हम लोग जो प्रोडक्ट की प्राइस चार्ज कर रहे हैं अल्टीमेटली क्या उसमें कहा है बेसिकली इज यू नो बिजनेस का मेन एम इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट. कई बार अगर आप देखो मे बी यू नो अगर मेडिसिन एंड ऑल ऐसे प्रोडक्ट्स है, आई मीन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है. सो उसमें बेसिकली क्या कहा है कि आप प्राइस ऐसे चार्ज करो जिसमें आपको भी प्रॉफिट हो एंड एट द सेम टाइम कस्टमर का इंटरेस्ट भी फुलफिल हो रहा हो. बिकॉज सी स्टूडेंट्स, ये सब जो चीज़ें हैं मेडिसिन एंड ऑल आपको पता ही है कितनी ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, येस और नो. अगर ये हम बहुत महंगे एंड इट इज़ हैपनिंग इन इंडिया, अगर आपको नहीं पता है तो पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड मेडिसिन, जिसकी वजह से यू नो कंट्री में काफ़ी डेथ्स भी हो रही है. सो दैट इज़ वॉट इज सेड हियर इज़ कि यू नो आइडियली ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए. हम बोलते हैं ना सस्टेनेबल लिविंग, मतलब एवरी वन शुड, सबके लिए हम एफोर्डेबल होना चाहिए. दैट इज़ वॉट इज टोल्ड हियर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. आगे जो कहा है प्रॉफिट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, हम लोग जो पैसा कमा रहे हैं प्रॉफिट में से, व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज आइडियली वो पैसा हमें R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी लगाना चाहिए. मैंने आपको कहा था कंपनीज लाइक गूगल एंड ऑल, आप लोग देखो ये लोग R&D मतलब आप लोग देखो, मैं फ़ोन का एग्जाम्पल दे रही हूँ. पहले कंप्यूटर्स एंड ऑल कितने बड़े हुआ करते थे, हैवी हुआ करते थे, बट कंपनीज ने यू नो क्या किया, कांस्टेंट रिसर्च. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, पहले कहाँ पे स्मार्टफोन्स थे, पहले वो क्वर्टी क्वीपैड ब्लैकबेरी वाले फ़ोन, ओके. तो दैट इज़ व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज, तो आई मीन कंपनीज ऑलवेज इन्वेस्ट कि यू नो वो प्राइस कम कैसे करे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कैसे करे, वो सब चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है. आगे अगर मैं आपको बताऊँ प्रॉफिट एंड आफ्टर सेल सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स. प्रॉफिट एंड आफ्टर सेल्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, एक बार हमने प्रोडक्ट बेच लिया इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा काम हो गया. बेसिकली आफ्टर सेल सर्विस मतलब एक बार आपने प्रॉफिट कमा लिया है तो आई मीन आप उसके बाद कस्टमर के लिए क्या कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वॉट मैटर्स अ लॉट, ठीक है. आफ्टर सेल मतलब यू नो अमेजोन का कैसे क्विक अपडेट होता है, यू नो लाइक फीडबैक एंड ऑल वो नहीं आपसे पूछते हैं, राइट, वो सब चीज़ है, ओके. हाँ आगे अगर तो इसके लिए यू नो स्टूडेंट्स आफ्टर सेल सर्विस के लिए आपको स्टाफ को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ओके. गिव स्टाफ प्रॉपर ट्रेनिंग, उनको मोटिवेट करो. यू नो स्टूडेंट्स सेल्स के जो लोग होते हैं उन्हें कमीशन एंड ऑल काफ़ी दिया जाता है. क्यों कमीशन एंड ऑल देते रहते हैं बार बार, टू मेक श्योर कि वो लोग कोई अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसे कुछ एडेड एक्स्ट्रा एडवांटेज तो मिलना चाहिए, येस और नो, ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर. सी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है ये पॉइंट्स यहाँ पे नहीं लिखे, इसमें कुछ दो तीन पॉइंट्स ही है वो मैं आपको समझाऊंगी. ये आंसर में बेसिकली वॉट दे हैव डन इज लिंक्ड. प्रॉफिट जो है बेसिकली ये हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, वेर एज इफ यू सी एम्प्लॉय वेलफेयर एंड ऑल ये सब हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ, ठीक है.
हाँ, तो एम्प्लॉय वेलफेयर यू ऑल नो, मतलब हम हमारी कंपनी अगर इतना प्रॉफिट कर रही है तो डेफिनेटली व्हाट वी वुड से इज यू नो कि प्रॉफिट एम्प्लॉय के साथ शेयर करो. यू नो आप एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी कैंटीन बनाओ, अच्छी फैसिलिटीज़ दो उन्हें. यू नो स्टूडेंट्स कई बार कैंटीन्स एंड ऑल होती है वहाँ पे, यू नो काफ़ी एफोर्डेबल रेट. लाइक आई रिमेम्बर यू नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वो एक्सेंचर की कैंटीन में 10 रुपीज़ में सैंडविच देते थे, 20 रुपीज़ में लंच दे रहे हैं. व्हाट आई मीन इज आज 10-20 रुपये में हमें क्या मिलने वाला है? कंपनी यू नो खुद वो लॉस करके बेयर कर रही है, राइट? मतलब लॉस करके मतलब डेफिनेटली उन्हें ओवरऑल प्रॉफिट हो ही रहा है, बट आउट ऑफ द वे जाके एम्प्लॉय के लिए कुछ करना, अच्छे वर्किंग कंडीशंस दो, इसलिए एसीज एंड ऑल आप अच्छी कंपनी में जाते हो होते ही है, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अब तक मैं आपको जो बोल रही हूँ. किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पूछना है, प्लीज 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 आस्क मी. बहुत इजी आंसर है ये स्टूडेंट्स, वही मैं आपको बोल रही थी. इवन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. आपको एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लिखना है और आपको एक सोशल ऑब्जेक्टिव, बेसिकली उसको लिंकअप ही करना है. दैट इज वॉट इज टोल्ड ओवर हियर. ओके हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट, डोंट वरी, मैं आपको एंड में एक अच्छा वीडियो भी दिखाने वाली हूँ, ठीक है? द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट एंड टैक्सेस. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. नॉर्मली क्या हो जा रहा है, यू ऑल नो, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया अभी देखो इनकम टैक्स फाइलिंग का काम चालू है. क्या करते हैं सब लोग, टैक्स एंड ऑल फाइल करते. व्हाट कंपनीज नॉर्मली डू इज यू नो प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल वो लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि यू नो उन्हें कम से कम टैक्स भरना चाहिए, भरना पड़े तो उसे सीएस को अपॉइंट करते हैं. आई मीन यू नो स्टूडेंट्स दीज ऑल आर ब्लैक प्रैक्टिसेस. ब्लैक का मीनिंग क्या हो जाता है, इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी का ही हमारे कंट्री का नुकसान हो रहा है. कंपनी चलो भले ही पैसा अपना बचा रही है, खुद के पॉकेट्स में मैनेजमेंट पैसा डाल रही है, बट स्टिल इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो पैसा, आपको पता ही है गवर्नमेंट यूटिलाइजेस फंड्स फॉर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, हॉस्पिटल बनाने के लिए, आर्मी नेवी वालों को सैलरी मिलती है, तो उसमें वही कहा है कि स्टॉप मैनिपुलेटिंग योर बैलेंस शीट्स, उसमें यही कहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट. मतलब यू ना आप लोगों ने मुझे जैसे कहा कि डिविडेंड हो, बोनस हो, बेसिकली हर कोई एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता ही है कि कंपनी उन्हें राइट आई मीन क्लियर पिक्चर बताए. ऐसा नहीं है कि ये साल कंपनी बोल्ड कुछ और रही है, सब प्रॉफिट वो लोग ने खुद को खुद खा गए, खुद के पॉकेट में ले लिया है. नो, आइडियली दिस एटीट्यूड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आई होप यू आर गेटिंग, मतलब यू नो वी आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल. अगर उन्होंने, अगर स्टूडेंट्स इतना हम पे विश्वास करके हमारी कंपनी में पैसा डाला है, तो आई मीन डोंट यू थिंक इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि उनका जो हक है उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, इफ आई अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ तो इट इज़ प्रॉफिट एंड सोशल डेवलपमेंट. इस पे तो आपने हैवेल्स का वीडियो देखा ही था. सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, पूरे सोसाइटी को कैसे डेवलप करना है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए. हाउ इज दिस पॉसिबल, नाउ यू विल आस्क मी स्टूडेंट्स कि यू नो हैवेल्स ने कैसे स्कूल्स बनाए थे, दे आर प्रमोटिंग एजुकेशन. कई लोग होते हैं, आप लोग आज देखना, मैं आपको एंड में जैसे कि मैंने आपको कहा मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ अबाउट विप्रो अजीम प्रेम जी, ठीक है? उसमें आपको समझेगा. फिर बिजनेस एक्सपेंशन एंड सोशल इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. बिजनेस एक्सपेंशन यू ऑल नो इज एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. सोशल इंटरेस्ट मतलब यू नो हम बिजनेस बढ़ा रहे तो आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स इसमें कंपनी का ही फायदा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है. देर आर मेनी बेनिफिट्स दैट हैपन. यू नो स्टूडेंट्स आज के टाइम में इको फ्रेंडली का कंसेप्ट बहुत है. इको फ्रेंडली मीन्स वॉट, एज फार एज पॉसिबल हम लोग ग्रीन प्रोडक्ट्स, आई मीन इसलिए महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन करके रखा है. ओके हमारे बिजनेस की वजह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी को. ऑन द सेम लाइन्स बिजनेस एक्सपेंशन एंड कॉम्पिटिशन, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिशन शुड बी हेल्थी. यू ऑल नो वॉट इज मोनोपोली, मतलब वी शुड अवॉइड क्रिएटिंग अ मोनोपोली एज फार एज पॉसिबल. क्या उसमें कहा है, बेसिकली इज हेल्दी कॉम्पिटिशन, मतलब यू नो हम खुद भी बढ़े दूसरों को भी ना रोके.
वे में कंपटीशन होना चाहिए, डुप्लीकेशन, कॉपी करो किसी का, ओके, ऑल ऑफ दैट शुड बी अवॉइडेड. ठीक है, लास्ट पॉइंट इज बिजनेस एक्सपांशन एंड सप्लायर्स. इसका क्या मीनिंग स्टूडेंट्स है, सी सप्लायर्स आपको पता ही है कौन होते हैं, बेसिकली जो लोग हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली दिस टुवर्ड्स द सप्लायर्स, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, बेसिकली यू नो पे देम ऑन टाइम. इन्होंने सी व्हेन द कंपनी एक्सपेक्ट्स कि इन्हें रॉ मटेरियल टाइम पे मिले, तो इवन दे वुड एक्सपेक्ट कि उन्हें जो अपनी सैलरी है टाइम पे मिलनी चाहिए. येस और नो, ओके, दिस इज वॉट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं जो बोल रही हूँ. ठीक है, आई मीन अननेसेसरी तुम उनसे इतना ज्यादा बार्गेन मत करो. सी स्टूडेंट्स, कोई भी अगर बिजनेस करता है, इट शुड ऑलवेज वर्क टू वेज, तेरा भी फायदा हो मेरा भी फायदा हो, दैट इज अल्टीमेटली द एटीट्यूड. सो आई होप आप लोगों को आज का आंसर समझ में आया है. स्टूडेंट्स डोंट वरी, ऑल दीज पॉइंट्स आर देयर इन द बुक. ओके, सी अभी कम टू योर चैट बॉक्स, मैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ एंड फटाफट मैं आपको अभी यूट्यूब पे वीडियो दिखा रही हूँ. सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ विल यू रिकनसाइल सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. ठीक है, नाउ सी मैं आपका आज का जो रिकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग इट.